बोले साहब ये पांचों जो हैं परम पद में स्थित हैं, इनके जैसे पद नहीं है कोई दुनिया में, इसलिए परमेष्ठी कह दिया हमने। ये तो एक सामान्य नाम हुआ, लेकिन अरहंत माने सिद्ध नहीं है। अरहंत भी परमेष्ठी है, सिद्ध भी परमेष्ठी है, लेकिन अरहंत सिद्ध नहीं, सिद्ध अरहंत नहीं। आचार्य भी परमेष्ठी है, आचार्य भी परमेष्ठी है, तो अरहंतों के जगह पे बिठा दो उनको, नहीं बिठा सकते, नहीं बिठा सकते। देखो पूजा में हमारे को अरहंत आचार्य की पूजा करते हैं, आचार्य की भी पूजा करते हैं और अरहंत की भी पूजा करते हैं, बोलो दोनों में फर्क बताओ। अरहंत की जो पूजा है उसमें एक प्रकार का नैरंतर्य है, अरहंत की पूजा में एक प्रकार का ठोसपना है, टेम्परेरी नहीं है। आचार्य की पूजा टेम्परेरी है, टेम्परेरी का मतलब आचार्य पद की नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य मतलब वो तो जीवंत है ना, और अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो अब ये जो है ना इनकी पूजा हमारी कोई अब अनंत काल के लिए इनकी पूजा नहीं करेंगे हम, पंचम काल के मुनि हैं, उनकी पूजा आप अभी करोगे कि अनंत काल के लिए पूजा करोगे उनकी? अनंत काल के लिए क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी यहाँ से तो ये सीधे मोक्ष तो जाने वाले नहीं, तो इनको तो जो है अविरति तो इनको आनी ही आनी है, भाव बदलेगा तो कौन से गुण स्थान में आ जाएंगे, पंचम काल में भावलिंगी संत हो तो अब तो स्थाई पूजा कहाँ हुई, फिर उनकी पूजा आप करोगे क्या? इसलिए यहाँ पर गुणों को प्रधानता से कर रहे हैं, लेकिन अरहंत सिद्ध ऐसे पद हो गए हैं कि इनमें तो अब गुणों की प्रधानता तो है ही, अब ये स्वरूप से भी अब ये अनंत काल के लिए इनकी स्थाई पूजा होगी, इनकी स्थाई रूप से हम अब इनकी हम जो है ना कोई संशय वाला काम नहीं है, छाइक भाव पैदा हो गया है, इसलिए अब छाइक भाव पैदा हो गया है तो अब कोई संशय वाला काम नहीं है। छाइक भाव माने सम्यक्त्व का भी छाइक भाव होता है, वो हो जाए तो भी गारंटी नहीं है। छाइक सम्यक्त्व के बाद तो गारंटी नहीं है ना, इसलिए उनको जो है अब चौथे गुण स्थान में सब देव भी बन जाएंगे, तो देवता बन जाएंगे तो आप पूजा करोगे? फिर अविरति की पूजा का प्रसंग आएगा, अविरति की पूजा का प्रसंग आएगा, इसलिए नहीं करते। ऐसे कितने जोरदार जोरदार उसके लॉजिक हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। अरहंतो एरिसो हो, ये जो है ना इन्होंने इस टाइप के शब्द प्रयोग कुनकुन भगवान ने और भी जगह किए हैं, अरिहंतो एरिसो होई। और मालूम है अभी आपको इसमें अभी अपन इसमें पढ़ेंगे प्रव्रज्ञा का वर्णन, उसमें आएगा पव्वज्जा एरिसा होई एरिसा। इसमें तो एक ही बार आया अरहंतो एरिसो होई, ऐसे अरहंत होते हैं। माने अब मैं कह रहा हूँ तुमने जो है ना अब नाम निक्षेप में ही सब बता दिया, अब स्थापना निक्षेप में, द्रव्य निक्षेप में, भाव निक्षेप में अब और कौन से गुण उठा के लाओगे? अरे अनंत ज्ञान अनंत दर्शन तुमने यही याद कर लिया, अब भाव निक्षेप में क्या होगा? बोले साहब अभी तो हम नाम से याद कर रहे हैं, नाम से याद कर रहे हैं, वाणी में याद कर रहे हैं, शब्दों से याद कर रहे हैं, फिर जब भाव निक्षेप का प्रसंग आएगा तो भाव से याद। अभी तो ये शब्द में इतना कीमती है, ये शब्द अरहंत है, ये जो शब्द है वो इतना महान है, फिर उसका स्थापना कितनी महान होगी, उसका द्रव्य कितना महान होगा, उसका भाव कितना महान होगा। इसलिए उत्तरोत्तर जो है इसमें जो है अब मिठास बढ़ने वाली है, उत्तरोत्तर इसमें मिठास बढ़ने वाली है। चलो अब अगली गाथा की ओर अपन कल चलेंगे, आज की चर्चा यहीं पर विराम देते हैं।